राजधानी पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधी हो गए हैं। अपराधी इस वक्त आपको बता दें कि लगातार लूट की घटनाएं बिहार में घट रही हैं। राजधानी पटना की बात कर ले तो रिहायशी इलाके में एक बार फिर से लूट की ये घटना हुई है और देखिए बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों की लूट हुई है उमा सिनेमा कैंपस में, बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी पटना की, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पटना के रिहायशी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां पर अपराधियों ने बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेंद्र हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लूट की अंजाम दी गई है ये कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये राजधानी पटना के बॉस इलाका माना जाता है, ये कदम कुआं क्षेत्र है और ये जो गांधी मैदान थाना में पड़ता है। हालांकि ये जो क्षेत्र है जहां पे लूट की अंजाम दिया गया है चोरों के द्वारा, ये रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो चोर हैं लगातार जो है बंधक बना करके लूट रहे थे और कई दुकानों के इस कैंपस में आपको बता दें कि कई दुकानें हैं, जैसे यहां पे लकड़ी टिम्बर की भी दुकान है, साथ ही इस कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान है, साथ साथ मार्बल्स की, यानी कई तरह की दुकानें, ये बड़ी कैंपस है और इस कैंपस में जो चोर है वो लगातार ताले तोड़ते रहे और जो भी यहाँ पे दिखते गए उनको बंधक बनाते गए और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा था सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ करके ले गए हैं। धीरेंद्र ये बताइए जी, धीरेंद्र क्या इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के कोई अपडेट, यानी कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी पुलिस ने पूछताछ की हो, कोई बातें निकल कर सामने आई हो? जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, गांधी मैदान थाना मौके पर पहुंचे, उसके बाद कई थाने के पुलिस भी पहुंची है, कोतवाली थाना हो गया, कदम कुआं थाना हो गया, कई थाना के जो पुलिस कर्मी हैं थानेदार हैं मौके पर पहुंचे हुए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कोतवाली भी पहुंचे हुए हैं और सिटी एसपी राहुल अम्बरीश भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां पे देखा जा रहा है कि मीडिया कर्मी जो है सभी मीडिया कर्मियों को कैंपस के गेट से बाहर कर दिया गया है और उसके बाद जो सिटी एसपी है वो अनुसंधान में लगे हुए हैं, अनुसंधान के बाद वो बताएंगे किस तरीके से चोरी का घटना का अंजाम दिया गया। हालांकि जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि लाखों की डकैती हुई है और कई सामान ठेले के द्वारा भी सामान भी यहाँ से ले गए हैं, कुछ ठेला कहीं अगल बगल भी पकड़ा गया है, ऐसा जानकारी लोग दे रहे हैं जो यहाँ के जो दुकानदार हैं ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने लाख की लूट की आशंका जताई जा रही है।